हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा दसवीं के पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर की पहली प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न के हल को समझने से पहले हमें प्रश्न को अच्छे से समझना चाहिए। अब इस तकनीकी को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरुआत हम अपने पहले प्रश्न से करते हैं। हमें इन दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। दोस्तों, इन संख्याओं का HCF तो हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार यहाँ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले संक्षिप्त रूप में हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखते हैं। इसकी एक शर्त यानी कंडीशन है कि शेषफल यानी रिमाइंडर हमेशा शून्य या फिर शून्य से बड़ा और भाजक यानी डिवाइजर से छोटा होगा। हम इस सूत्र यानी फॉर्मूले को इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ ए भाज्य यानी डिविडेंड है, बी भाजक यानी डिवाइजर, क्यू भागफल यानी कोशेंट और आर जिसे हम शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। दोस्तों, इसे और विस्तार से समझने के लिए और इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर कॉन्सेप्ट वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप सबसे पहली संख्या यानी 135 और 225 को देखिए। यह संख्या इससे छोटी है। हम इसे भाग के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ एक और यहाँ 135 आएगा। घटाने पर हमें 90 मिला, जो कि 135 से छोटा है। अब यहाँ हमारा पहला चरण यानी फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। इसका यह मतलब है कि हम 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90 इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमें मिले हुए शेषफल यानी 90 को भाजक और 135 को भाज्य मान लेते हैं। अब दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 90। अब हमें शेषफल 45 मिला, यानी 135 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और यह दूसरा चरण भी पूरा हुआ। यह प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक हमें शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक हमें शेषफल में शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। अभी यहाँ 45 है, 90 को भाज्य मानकर हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 45 गुणे 2, यहाँ 2 और यहाँ 90 आएगा और अब हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। यानी यह तीसरा और आखिरी चरण, जिसे हम 90 बराबर 45 गुणे 2 धन शून्य लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार हमें इन दोनों संख्याओं यानी 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। दोस्तों, आखिरी चरण यानी लास्ट स्टेप, या फिर कह लें जिस चरण के बाद हमें शेषफल शून्य मिल जाता है, वही भाजक उन दोनों संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक या फिर कह लें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ वह भाजक 45 है। इस प्रकार हमें इन संख्याओं का HCF 45 प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप अपने उत्तर की जांच स्क्रीन पर दी गई इस विधि के अनुसार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इस विधि का नाम अवश्य बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली संख्या की ओर। दोस्तों, आपको ये संख्या काफ़ी बड़ी दिख रही है, पर इसे हल करना भी काफ़ी आसान है। यह इससे छोटा है, इसलिए इसे भाजक और इसे भाज्य मानकर हम इस तरह लिखेंगे। पहले तीन अंकों को लेते हैं और यहाँ 196 गुणे 1 यानी हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। घटाने पर हमें 186 मिला। अब इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 196 गुणे 9 करेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त होगी।
यहाँ यह संख्या और यहाँ 9 आएगा। अब घटाने पर हमें 98 प्राप्त हुआ। अब इस शून्य को यहाँ पर लिखेंगे और 196 गुणे 5 करने पर हमें 980 मिलेगा और अब हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ही चरण यानी वन स्टेप में ही हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम 38 22 0 इसे 196 गुणे 195 धन शून्य लिख सकते हैं और इन दोनों संख्याओं का HCF 196 होगा। दोस्तों, इस प्रकार आप गुणनखंड विधि से इसका हल निकालकर अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, परंतु आप पाएंगे कि हमने इस विधि यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन संख्याओं का HCF काफ़ी आसानी से निकाल लिया, यानी हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्याओं का HCF निकालने में यह विधि काफ़ी आसान सिद्ध होती है। अब इसे देखते हैं, इसमें यह संख्या बड़ी और यह संख्या छोटी है, इसलिए इसे भाजक और इसे भाज्य मानकर इस प्रकार लिखते हैं और फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं। दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप इसे स्वयं हल करें। यहाँ से आप अपने उत्तर और चरण यानी स्टेप्स की जांच कर सकते हैं। कभी कभी हम इस सूत्र के पदों यानी टर्म्स को लिखने में भ्रमित कंफ्यूज हो जाते हैं। इस विधि में अक्सर हम भाज्य और भाजक में कंफ्यूज होते हैं। भाज्य इसमें ज्य है, यानी इसे हम याद रख सकते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा यानी कि बड़ी संख्या। इसी प्रकार भाजक इसके अंत में क है, क से हम याद रख सकते हैं कि कम कम यानी कि छोटी संख्या। बड़ी संख्या भाज्य होगी और छोटी संख्या भाजक। दोस्तों, यह केवल एक ट्रिक है जिसे आप यह उपयोग कर सकते हैं, पर याद रखें ये कोई गणितीय नियम नहीं है। और आप इस सूत्र को इस प्रकार इन अक्षरों यानी लेटर्स का उपयोग कर इस प्रकार लिखकर आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ हम a बराबर b का q से गुणा कर और r को उसमें जोड़ देंगे, जिससे हमें यह सूत्र प्राप्त होगा। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।